चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जो खूबी एसम शेर की कहने की वो आप देखिए, कितना जल जला, कितना जल जला, कितना तूफान आया, कितना जल जला, कितना तूफान आया, सदा सदियों में उभर के इंसान आया। गोलाक हवान से भी बदतर है वो आज, गोलाक हैवान से भी बदतर है वो आज, आखिर उसी से उठ के तो इंसान आया। जो पूरी दुनिया को बेहतर बनाना चाह रहे, जो हक लड़ने वाले लोग हैं, उनके लिए आप बात नहीं कह रहे, ये एक पाप है, इस पाप को जड़ाओ, इसलिए उठो और मजदूर किसानों के संघर्ष में साथ मिल जाओ। और उनके संघर्ष में अगर मिल जाओगे तो तभी जनता के कवि कहलाओगे। ये सोच थी शमशेर बहादुर की। राह तो एक थी हम दोनों की, आप किधर से आए गए, हम जो लुट पिट गए, आप जो राजभवन गए। बौद्ध, हिंदू, सिख, मुस्लिम में रहे टक्कर, वो टक्कर हो कि सब कुछ युद्ध का मैदान, वो टक्कर हो कि सब कुछ युद्ध का मैदान बन जाए। कभी जैसा नहीं था, कभी जैसा नहीं था, वैसा हिंदुस्तान बन जाए। मणिकर्णिका साथियों, सबसे पहले तो मैं नौजवान भारत सभा की तरफ से बाहर से आए हुए अपने सभी अतिथियों, अपने अध्यक्ष जी जो आज की इस साहित्यिक प्रोग्राम के हैं, और जितने भी स्थानीय साथी हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे लिए जो साहित्यकार आए हैं बाहर से, जो विद्वान हैं, उन्हें जानने समझने का, इनके साहित्य को, संस्कृति को और जानने समझने का बहुत अच्छा मौका है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। साथियों, वैसे तो साहित्य की बारे में हमारी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, हम एक तरह से ये समझा जाए हमें जैसे हम पहली क्लास के छात्र हों। अगर मैं अपनी बात करूं, और जब मतलब एक समय ऐसा भी था कि साहित्य से हम बहुत दूर थे, कोसों दूर थे, नौजवान भारत सभा के कुछ कार्यकर्ता हमारे अपने इलाके में एक अभियान चलाने के लिए आए, और मेरी अपने गांव में उनसे जब पहली मुलाकात हुई, मुझे नहीं पता था कि ये किस तरह के लोग हैं, ये यहाँ क्या करने के लिए आए, लेकिन जब उनसे बात होनी शुरू हुई तब उनकी जो बातचीत का अंदाज था, अपने देश के बारे में, देश की समस्याओं के बारे में जो उन्होंने बात की, वो बहुत ही मतलब इतना बढ़िया था कि दिल को ऐसा लग रहा था कि यार ये बात तो बिल्कुल मेरी बात कह रहा, कहने का अंदाज बहुत बढ़िया है इनका। वहीं हम उनके साथ पूरा दिन जब गांव में घूमे, तो जब लोगों को जो बात बता रहे थे, तो उसमें भी बताने का तरीका, शाम को एक सभा हुई गांव में ही, उसमें जो उनके भाषण थे, भाषण में कुछ शेर थे, तो वे इस तरीके से लग रहे थे जैसे बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। जिसे कहते नहीं गागर में सागर भरना, कोई भाषण चल रहा, बात बता रहे, उसी बीच में
किसी कविता की दो लाइन कह दी, वो भाषण मेरी बहुत समझ में नहीं आया, पर मैं दो लाइन जब उन्हें कही मैं सला के लिए यार क्या बात कह दी इसने, एकदम दिल को छू लेने वाली बात। जैसे कहते नहीं कि नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो साथियों इस तरीके से मैं साहित्य के कुछ संपर्क में आया। जब उन नौजवान साथियों के से मुलाकात होगी और नौजवान भारत सभा के लिए ये तय है कि भाई हम भी कुछ काम करेंगे, तब उन्होंने ये भी बताया कि काम करना तो इसके लिए तो कुछ पढ़ना पड़ेगा, बताया कि साहित्य पढ़ना पड़ेगा, देश दुनिया को जानना समझना पड़ेगा। बातचीत जब उनसे हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि बातचीत उसमें क्या बढ़िया लगा, तो उन्होंने बताया कि ये दो बात आपने जो कही थी बाद में जो आपने ये कुछ वो जो एक बात कही थी वो बहुत बढ़िया लगी, वो जो शेर आपने कहा था वो बहुत पसंद आया। तो उन्होंने हमें साहित्य की तरफ अपने तरीके से, मैं कैसे उनकी बात समझ सकूं, साहित्य के प्रति मेरी रुचि कैसे पैदा हो, ये उनकी कोशिश थी। और इस बात को समझ रहे थे कि अगर साहित्य की तरफ ये नहीं बढ़ा तो ये कैसे जानेगा कि दुनिया जो बदली वो कैसे बदली, उसमें लोगों ने किस किस तरीके से काम करे, किन परिस्थितियों में काम करे, घनी बात को ज्यादा बात को कम शब्दों में कैसे कहना, ये कैसे जानेगा नौजवान ये बात। आपसे बातचीत में भी जैसा आम बातचीत हम करें उसमें भी उनके तरीके हमारे कुछ साथियों के बहुत बढ़िया थे, वे बातचीत में कोई बात होती तो उसमें उसी भाव के अंदाज में जो बात कह रहे कोई शेर कहते थे, किसी कविता की दो लाइन कहते थे। तो साथियों इस तरीके से थोड़ी सी हमारी साहित्य की तरफ रुचि बढ़ी और इसी में हमने त्रिलोचन को, सर्वसर्जियाल सक्सेना को, मुक्तिबोध को, धूमिल को, पास को, दुष्यंत को और इनके साथ साथ शमशेर बहादुर सिंह को भी थोड़ा बहुत पढ़ा। इसमें कोई शक नहीं साथियों कि शमशेर बहादुर की जो लेखनी है या जो उनकी जो कविताएं हैं वो मतलब कहते नहीं, ये हर कोई समझ नहीं सकता, लेकिन वो ऐसे नहीं कि भाई समझ नहीं सकते कि इसलिए कि सब जाने नहीं समझ सकते, दरअसल उनके विचार और चेतना जो अभी पहले मेरे साथी वक्ता ने बताई भी प्रोफेसर साहब ने कि उनकी विचार चेतना वो इतने व्यापक इतने गहरे थे, उनका दायरा इतना ऊंचा था इतना विराट था कि वहां तक हर कोई जाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मान लो हम ही खुद सक्षम नहीं कि वहां तक जा पाऊं, किसी भी उनकी कविता को अगर पढ़ना पड़े या अब तक हमने पढ़ी तो हम अपने जो हमारे सीनियर साथी हैं, जो समझदार साथी हैं, जो विद्वान माने जाए, जो उस चीज के जानकार है कुछ, हम उनकी मदद लें तभी हम कुछ शमशेर बहादुर को समझ पाऊंगे। तो साथियों इसमें यह भी घबराने की बात नहीं कि आज जो बात हो रही बहुत सारी बात यहां ऐसी होंगी जो लगेगा ये तो हमारे समझ से ऊपर की बात है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम उन्हें लगातार समझने की कोशिश करेंगे और लगातार उन्हें धीरे धीरे समझते हुए आगे भी बढ़ेंगे। शमशेर बहादुर सिंह ने जो कवि हुए, कलाकार हुए, ऐसे सभी के ऊपर बहुत कविताएं लिखी, जैसे बताया भी कि अगर वो कहीं मूर्ति देख लेते, कोई चित्र देख लिया तो उसे देख के भी वो कोई अपनी कविता लिखते थे। तो इस तरह हम समझ सके कि सच में उनका जो दायरा था, उनका जो फलक था वो बहुत बड़ा था और उस तक जाने के लिए
हम जैसे नौजवान साथियों को साहित्य की ओर गहराई में जाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो साथियों, दूसरी बात, जैसे तो है ही कि भाई उन्हें समझना मुश्किल है, लेकिन एक बात और भी है। जैसे जब हम अभी जब पिछले वक्ताओं ने उनकी कुछ कविताएं पढ़ी जो हमारे समझ में आई, वो बहुत बढ़िया लगी। जो मतलब हमारे जो शब्द भंडार है, जिनकी जिन शब्दों की हमें जानकारी है, जिनका अर्थ हम जाने, वे जो हमारी हमारे सामने आते गए, हमारे जहन में पकड़ता चला गया, तो उनमें बहुत मजा आया। ये बिल्कुल बात वैसी है जैसे किसी अमरूद के पेड़ से हम अमरूद तोड़ कर खा लें, और दूसरी तरफ अगर हमें बादाम खाना हो तो क्या बादाम खाने की प्रक्रिया अमरूद जैसी होगी? अमरूद आसानी से तोड़ कर खा लेंगे, लेकिन बादाम तोड़ने के बाद पहले सुखाना पड़ेगा, फिर फोड़ना पड़ेगा, उसकी गिरी कर जब खाऊंगे, दोनों के गुण अलग हैं, तासीर अलग हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह बिल्कुल बादाम और अखरोट की तरह ही हैं। हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी बादाम या अखरोट खाने की करनी पड़ेगी, तब हम उस बात को समझ पाएंगे। दूसरा, शमशेर बहादुर सिंह किसान मजदूर के कवि थे, मतलब जनता के कवि थे। ये बताए भी कि वो श्रम की गरिमा को समझे थे, और जो चीज वो एहसास कर रहे थे, जिसे वे समझे थे, जिसे वे ठीक मानना थे एकदम कि यही हैं असली लोग, इनकी बात ही होनी चाहिए। अगर कुछ होना चाहिए, अगर हम कुछ कर सके, तो इनकी बात ही होनी चाहिए। दूसरा, एक बात ये भी हुई कि हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने बताया कि ये इलाका तो लड़ाकू इलाका माना जा, लेकिन शमशेर बहादुर बहुत नाजुक मिजाज के थे। वे नाजुक मिजाज के होते हुए भी बहुत लड़ाकू थे, उनका मैदान दूसरा था, जहां उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और खुलकर अपनी बात कही, एकदम सीना चौड़ा करके, सर ऊंचा करके उन्होंने अपनी बात कही। और ये बात कि वे किसान मजदूर के कवि थे, ये उन्होंने आजादी से पहले ही 1940 में उन्होंने एक कविता लिखी थी, फिर वह खिल्लौर उठी, फिर वह खिल्लौर उठी गांव, वह मजदूर किसानों के स्वर कठिन नहीं, कवि है उनमें अपना हृदय मिलाओ, कवि है उनमें अपना हृदय मिलाओ, उनकी मिट्टी के तन में है अधिक ताप, अधिक आग, उसमें कवि है अपने विरह मिलन के पाप जलाओ। मतलब ये बात किससे कह रहे हैं? उनका साफ कहना है अपने उन कवियों से कि प्रेम के विरह के बहुत गीत हो लिए, वे मजदूर, वे किसान जो पूरी दुनिया को बेहतर बनाने के लड़ रहे, उनके गीत कब गाओगे? उनके गीत गाओ, और उनके गीत गाओगे और जो बहुत छोटी सोच है उससे लड़ोगे, उससे निकलोगे, तो निश्चित रूप से जो आपके पाप हैं, जो सिर्फ अपने लिए आप जी रहे, जो पूरी दुनिया को बेहतर बनाना चाह रहे, जो हक लड़ने वाले लोग हैं, उनके लिए आप बात नहीं कह रहे, ये एक पाप है, इस पाप को जड़ाओ, इसलिए उठो और मजदूर किसानों के संघर्ष में साथ मिल जाओ, और उनके संघर्ष में अगर मिल जाओगे तो तभी जनता के कवि कहलाओगे। ये सोच थी शमशेर बहादुर की। साथियों, शमशेर बहादुर सिर्फ कल्पना नहीं कर रहे थे, वे उस तो बाहर की बात कर रहे थे। उनका एक शेर है,
मतलब जो सच्चाई से रूबरू जब कोई कोई भी बात हो तो वो जो जमीनी हकीकत है उसकी बात भी करे थे। हकीकत को लाए तखयुल से बाहर, हकीकत को लाए तखयुल से बाहर, मेरी मुश्किलों का कोई हल लाए। हकीकत को लाए तखयुल से बाहर, मेरी मुश्किलों का जो हल कोई लाए। तो साथियों, वो जो भी उनकी समस्या, जो भी वो सोचे थे, उस पर ये भी चाहते हैं कि बात कहने की बात नहीं, उसका हल ढूंढना पड़ेगा। अभी बताए भी पीछे की अमन के राग के उदाहरण देकर भी साथियों ने बताए कि शमशेर बहादुर वो इंसानियत के को बहुत प्यार करने वाले थे, और जो दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, जो कहें कुछ और करें कुछ, उन तो सख्त नफरत करने थे। बड़ी बड़ी बात करना उन्हें पसंद नहीं था, वे वही बात कर रहे थे जो वही बात उन्हें पसंद थी, वही बात वो कह भी थे जिसमें सच में इंसानी गुण हो और इंसान के लिए बात करते हों। वे कहे थे, मिलते हैं मुझको अदीब कलाकार बहुत, मिलते हैं मुझको अदीब कलाकार बहुत, मगर इंसान का मिलना है मुहाल। साथियों, शमशेर बहादुर एकदम खरी खरी बात करने वाले कवि थे हमारे, एकदम खरी। और खरी जब बात कोई करे तो एक के हमारे यहाँ इलाके में कहावत भी है कि सच बात कहना जैसे आंख में अंगली दे देना। तो इसके बारे में भी कहा कि जो खरी खरी बात करते उनके बारे में उन्हें क्या समझा जाता था, या वो किस तरह की बात करें थे। जी को लगती है तेरी बात खरी है शायद, जी को लगती है तेरी बात खरी है शायद, वही शमशेर मुझे फर्ज नगरी है शायद। इनके जो बात कह रहा, जो जी को लगी, इनके इसके बात कहना था यार, सोचने पर मजबूर हुआ है आदमी, कहना जो होता नहीं कि कहना भाई बात तो यार ठीक कह दी, कि इसका मतलब बात सही है। क्योंकि जब जी को लगे कोई बात, सोचने को मजबूर कर दे बात, इसका मतलब वो बात सही है। अगर वो बात सही है तो कहीं शमशेर बहादुर तो नहीं मुजफ्फरनगर वाला, इसका मतलब है कहीं मुजफ्फरनगर वाला शमशेर बहादुर तो नहीं। तो साथियों, ऐसे हमारे शमशेर बहादुर थे जिन्होंने हमेशा जनता की बात की। और ये भी, ये तो बात यहाँ भी आज कई बार आएगी कि शमशेर बहादुर को कवियों को कवि कहा गया कि भाई ये कवि हैं, लेकिन ये तो इनका भी कवि है, ये तो इनका भी गुरु है। वे गालिब और मीर के स्तर पर जाके, शमशेर बहादुर गालिब और मीर के स्तर पर जाकर उतनी ही गहरी बात करने थे जो एकदम दिल को छू जाती। इस बात को हम एक शेर से और समझ सकें, हो चुकी जब खत्म अपनी जिंदगी की दास्तां, हो चुकी जब खत्म अपनी जिंदगी की दास्तां, उनकी फरमाइश हुई है इसको दोबारा कहें। जब जिंदगी की दास्तां नहीं रही तो अब दोबारा कैसे कहें, इतने दिनों बाद फरमाइश। साथियों, शमशेर बहादुर ने अपनी आवाम के पक्ष में, किसान मजदूर के पक्ष में, जहां भी कहीं उन्हें एक बात अपनी रखने का मौका मिला तो उन्होंने सब बहुत ही दमदार तरीके से रखा। इस जालिम व्यवस्था के जितने भी तरह के हमले, और व्यवस्था का मतलब सिर्फ इसी देश की सरकार नहीं, जहां तक भी आज जो हम पर राज करने वालों का जो गठजोड़, जहां तक भी उनका गठजोड़ है, जो भी मेहनत कश लोगों पर जुल्म करने वाले लोग हैं, जो आज इस व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, उन्हें भी उन्होंने जहां भी मौका मिला अपने
बात के जरिए, अपनी लेखनी के जरिए बहुत दमदार तरीके से उन्होंने बात कही। और जैसे ये भी बात और बढ़िया से यहां आ जाएगी अभी कि वो कितने बहादुर थे। जहां मैं अब तो जितने रोज अपना जीना होना है, जहां मैं अब तो जितने रोज अपना जीना होना है, तुम्हारे चोटे होनी है हमारा सीना होना है। तो इतनी इस तरह की शायरी, इस तरह की बात कोई बहादुरी कह सके? और शायद इसलिए नाम उनका शमशेर बहादुर भी था। तो दोस्तों, और ये ऐसे नहीं कि आज की आज आज के हालात पे भी, और हम ये देख रहे हैं कि आजादी से पहले से ही शमशेर बहादुर की जो लेखनी है वो एकदम तलवार की तरह है। जैसे राहुल संकर्तन कहने कि दोनों हाथ में तलवार लेकर चलाओ और जितनी भी क्रूतियां, जितने भी खराब बात हैं, जितने भी इस व्यवस्था के प्रोपगंडे उन्हें सब काट दो, तो उसी तरह शमशेर बहादुर भी थे। आजादी की लड़ाई के दौरान ये तो हम सब जाने कि सभी लोग एक साथ मिलकर लड़े थे। किसान, मजदूर, इस देश के छोटे व्यापारी, टाटा बिरला जो भी थे, सब मिलकर आजादी के लिए लड़े थे। लेकिन उन्होंने आजादी के बाद जो स्थिति है आज, क्या सबकी एक जैसी स्थिति है? यहां मैं एक बात कहें, आजादी से जोड़ते हुए, जब हम आजादी मिली उससे जोड़ते हुए, राह तो एक थी हम दोनों की, राह तो एक थी हम दोनों की, आप किधर से आए गए? राह तो एक थी हम दोनों की, आप किधर से आए गए? हम जो लुट पिट गए, आप जो राजभवन गए। या तो किसान को उसकी फसल का दाम नहीं, मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं, नौजवान को रोजगार नहीं, छात्र को पढ़ाई नहीं, बीमार का इलाज नहीं, मारी तो स्थिति या। और सब एक साथ आजादी की लड़ाई लड़काए थे, हुए कहां पहुंच गए? तो कितने धारदार तरीके से शमशेर बहादुर पूरी आज की व्यवस्था को, आज के नेताओं की पूरी पोल पट्टी वे खोल रही। एक दूसरा ये बात तो है ही, एक चीज उन्होंने और की, उन्होंने जो 1932 से आजादी से पहले ही अपनी एक कविता में उन्होंने आज के नेताओं का जो चरित्र था उसे बताया था। जैसे उन्होंने बताया कि आजादी के दौर में भी नेता थे, उसके बाद जब गुट निरपेक्ष एक गुट बना, जब दुनिया में तीन धड़े बने, उसके भी कुछ नेता थे, उनकी कुछ वैल्यू थी, वो कुछ दमदार लोग थे। आजादी से पहले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, तो आजादी के बाद नेहरू जैसे लोग भी थे। तो और आज की स्थिति कुछ जब वे कहें तो अपनी, जब वो बात कहें तो किस अंदाज में लिखे हैं वे, और कितनी सारगर्भित है। किस लीला युग में आप पहुंचे, किस लीला युग में आप पहुंचे, अपनी सदी के अंत में हम, किस लीला युग में आप पहुंचे, अपनी सदी के अंत में हम, नेता जैसे घास फूस के रावण खड़े कराए गए, नेता जैसे घास फूस के रावण खड़े कराए गए। तो साथियों, ये शमशेर बहादुर की जो समझ थी, उनकी जो समझदारी थी, उसे एकदम साफ बयां करें, बतावें कि उनकी, उनके विचार कितने शानदार थे, कितने तेज थे, और उनकी नज़र भी कितनी गहराई तक देखने की, मतलब कितने दूर तक वे देख रहे थे। दूसरा, साथियों, उन्होंने
अपनी एक गजल में जो आज सांप्रदायिक माहौल है पूरे देश का, इस पर उन्होंने बहुत ही शानदार बात कही जो उस दौर में भी थी लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा वो मतलब मौजूद है या उसकी उसका आज हमें और ज़्यादा एहसास हो उस बात का। जितना ही लाउड स्पीकर चीखा, जितना ही लाउड स्पीकर चीखा उतना ही ईश्वर दूर हुआ, जितना ही लाउड स्पीकर चीखा उतना ही ईश्वर दूर हुआ, उतने ही दंगे फैले जितने दीन धर्म फैलाए गए। और इसी कविता में वे जो आगे कहें वो और ज्यादा आज के हालात को आपके सामने एकदम एक तरह से उसका ऑपरेशन कर देगा, आपके सामने उसकी सारी बीमारियां खोल कर रख देगा। जिस तरीके से अयोध्या के नाम पे घर घर चंदा इकट्ठा करके उसमें घोटाले हुए और किस तरह आज धर्म को एक व्यापार बना दिया गया, और ये बात वो आज तक 40 साल पहले कह रही। मूर्ति चोर मंदिर में बैठा और गाहक अमेरिका में, मूर्ति चोर मंदिर में बैठा और गाहक अमेरिका में दान दक्षिणा लाखों डॉलर गुपत दान करवाए गए। साथियों, और ये चीज हरिद्वार ऋषिकेश में भी आप देख सकें, जब वहां आरतियां हों तो गौरी हिरणी वो उन्हें उस दिन की मुख्य आरती का, जैसे हमारे यहाँ अध्यक्ष हैं तो उसे भी वे मुख्य बना दें, सिर्फ इसलिए कि जब आरती होगी तो वे उसमें वे विदेश से जो आई हुई गोरी होंगी वे डॉलर में उन्हें पैसा देंगी। सांप्रदायिकता के ऊपर शमशेर बहादुर ने कितनी मतलब अपने देश थे उसकी एकता से कितना प्यार था उन्हें और कितना दर्द था। 1980 में जब मुरादाबाद में दंगे हुए, उन दंगों के ऊपर शमशेर बहादुर ने बहुत दुख और तकलीफ के साथ दर्द भरे लहजे में अपनी एक बात कही, वह काम मुरादाबाद में हम कर आए, दुनिया में ऊंचा अपना परचम कर आए, वह काम मुरादाबाद में हम कर आए, दुनिया में ऊंचा अपना परचम कर आए, बच्चों की जवानों की उम्मीदों की वो ईद, बच्चों की जवानों की उम्मीदों की वो ईद, उस ईद का हम जाके मातम कर आए। साथी बता रहे समय कम है, लेकिन शमशेर बहादुर जो मुजफ्फरनगरी थे और मैं भी मुजफ्फरनगरी हूँ, उसके गुआंड का भी हूँ, तो मेरी दरखास्त है कि कुछ टाइम दिया जाए ताकि जितनी बात थोड़ी बहुत बात जो मुझे लगे कि ये बात तो मेरे नौजवान साथियों तक जानी चाहिए वो तो कम से कम जा तो कुछ टाइम अगर आप कहें तो ठीक है दोस्त। और जितना उन्हें दुख था जो ये माहौल थे दंगे के, उतने ही उन्होंने कोशिश भी की, पूरा उन्हें बताने की कोशिश की, भाईचारे को अहमियत समझाने की कोशिश की, बताया कि अगर हम ये बात नहीं समझे तो बहुत नुकसान होगा, फूट हमेशा नुकसान की रहे, उन्होंने चिन्हित किया, उन्होंने बताया, हैं आसमाने हिंद के तारे दोनों, है सर जमीने पाक के प्यारे दोनों, यह किसकी नजर खाए जाती है उन्हें, आपस ही में लड़ लड़ के हारे दोनों।
तो दोस्तों आज इस जो हमारे देश के हालात हैं आपस में इस लड़ने के चक्कर में ही जो हिंदू मुसलमान का जो मामला पूरा चल रहा है इसके चलते पूरा देश का मतलब किसान और मजदूर जो दो मेहनत कश वर्ग हैं सबसे बड़े मुख्यतः पूरा हिंदुस्तान इन्हीं के अंदर है या तो किसान है या मजदूर है आज इनके हालात हमारे सामने ऐसा हम देख सके इसकी वजह यही है कि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा तिफरके हैं जिसे आज दूर करने की ज़रूरत है। साथियों वो ये बात भी अभी आई थी कि बहुत बारीक नज़रिया है शमशेर बहादुर का बात कहने का भी और अपनी आवाम तक पहुँचाने का भी, मतलब इंसान लाखों साल में हम आदि मानव काल से गुफाओं के जमाने से आज अगर स्थिति में आज ऐसे माहौल में हैं तो इसका मतलब लाखों साल लगे इतना सभ्य होने में, लेकिन शमशेर बहादुर कहें कितने साल लगे हमें सभ्य होने में लेकिन आज भी हम सभ्य नहीं हो पाए और इस बात को अपने किस तरीके से कह रहे जो खूबी है शमशेर की कहने की वो आप देखिए। कितना जल जला कितना तूफान आया, कितना जल जला कितना तूफान आया, सदा सदियों में उभर के इंसान आया। गोलाख हवान से भी बदतर है वो आज, गोलाख हैवान से भी बदतर है वो आज, आखिर उसी से उठ के तो इंसान आया। साथियों यहाँ बातचीत में ये भी जिक्र आया कि शमशेर बहादुर सिंह और मुक्ति बोध दो बहुत बड़े जनता के बात कहने वाले कवि थे और दोनों की बहुत ज़बरदस्त दोस्ती भी थी। मैं ये चाहूँ कि शमशेर बहादुर मुक्ति बोध के बारे में क्या सोचे थे, उसके बारे में वो क्या कहे थे, ये भी एक बार हम देखें कि वो मुक्ति बोध को उन्होंने उनके ऊपर एक गज़ल लिखी जिसके दो शेर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा कि जमाने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए, जमाने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। मतलब ऐसे थे मुक्ति बोध जिन्होंने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, अपने लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं, अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा, यानी कि वो अपनी आवाम के दुख दर्द में इतने खो गए, इतने डूब गए उसमें कि उन्हें अपना होश ही नहीं था। आगे कहें वे शमशेर बहादुर, वो सरमस्तों की महफिल में गजानन मुक्ति बोध आया, वो सरमस्तों की महफिल में गजानन मुक्ति बोध आया, सियासत जाहिदों की खंदे दीवाना हो जाए। मतलब उनकी महफिल में जब मुक्ति बोध बहुत बीमार थे दिल्ली में, उनकी अंतिम सांस चल रही थी, उस समय जिनके खिलाफ वे लिख रहे थे, जो इस व्यवस्था को चलाने वाले लूटने वाले जो लोग थे और जिनका भारत का अगर कहें तो जो अगर नेता था तो जवाहरलाल नेहरू जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, वे मुक्ति बोध से मिलने के लिए गए। यानी कि इतना बड़ा वजूद था मुक्ति बोध का कि जो उनके दुश्मन थे वे भी आकर वहां एक बार सजदा करे थे। साथियों दूसरा शमशेर बहादुर की सोच और कितनी बड़ी थी और कितने दूरदर्शी थे इसे भी हम इस एक शेर से और समझ सकें कि आज जो बाजारवाद चल रहा आज बाजारवाद के चलते किसानों को उसके फसल के दाम नहीं, आज किसान मिल मालिकों का जो कि व्यापारी हैं, बाजार का मतलब व्यापार जिसे व्यापारी चलावे, बाजार तो व्यापारियों के हाथ में ही है, मजदूर
जैसा कितनी दिहाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, इसे भी वही तय कर रहा। इलाज हमारा कितना महंगा होगा कितना सस्ता होगा, यूँ भी आज हम देख रहे हैं कि पूरी इलाज की व्यवस्था भी आज उनके हाथ में चली गई। आज पूरी शिक्षा का भी बाजारीकरण हो गया, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पढ़ सको, नहीं तो आप नहीं पढ़ सकते। यानी कि उस बाजारवाद पे जो शमशेर बहादुर ने जो चोट की अपने किस अंदाज में की, जो बात कही उन्होंने, इल्मो हिकमत दीनो हिमा, इल्मो हिकमत दीनो हिमा मुल्को दौलत हुस्नो इस, इल्मो हिकमत दीनो हिमा मुल्को दौलत हुस्नो इस, आपको बाजार से जो कहिए ला देता हूं मैं। यानी कि आज इस साम्राज्यवाद के दौर में यहां सब कुछ बिकाऊ है, शिक्षा चिकित्सा किसान मजदूर इज्जत देश सब कुछ यहां आज नीलम के कगार पर खड़ा। तो दो लाइन में इतनी सारी बात कहने का दम शमशेर बहादुर में ही था, जो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से कही। साथियों, एक और जो शेर है उनका जो बहुत ही ऊंचा है और आप जितनी बार उसे पढ़ोगे उतने उसके मायने निकाल लोगे। एक कलम है और सो मजमून है, एक कलम है और सो मजमून है, एक कतरा खूने दिल तूफान है, एक कलम है और सो मजमून है, एक कतरा खूने दिल तूफान है। तो साथियों, वो इनके एक कलम से कितनी कितनी चीजें लिखी गई, खुद शमशेर ने कितनी लिखी। और जब अपने दिल की बात जब आदमी जैसा लिखते ना कि खूने दिल से कोई बात लिख देना, जब कोई सच बात हो किसी बात को लेकर जब कोई अड़ जाओ, जैसे तीन कृषि कानून को लेकर किसान अड़ गए तो तूफान देश में आया कि नहीं। तो यही है साथियों कि शमशेर बहादुर की जो साहित्य है उनका, जो उनकी लेखनी है, वो बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है। और हमें लगे कि हमें उन्हें अपने साथियों के साथ आज पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मैं उनके नज़रिए की वो कितनी बारीकी से देश से और दुनिया तक देखे थे, धार्मिक दंग की आड़ में जो राजनीति चल रही, वो सिर्फ ये नहीं कि हमारे यहाँ कोई बात होगी तो उसे ही ध्यान में रखे थे, नहीं, वो उसकी पूरी जड़ तक जाने की कोशिश कर रहे थे। एक उनकी कविता है धार्मिक दंगों की राजनीति, और ये हम समझ रहे होंगे कि धार्मिक दंगों की राजनीति जिसे डिवाइड एंड रूल, फूट करो राज करो के नाम से अंग्रेजी दौर से चली आ रही, जो अंग्रेजी के दौर में थी। अगर भारत देश जब आजाद हो गया तब तो ये खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये उससे भी और जबरदस्त तरीके से आज हमारे बीच में ये पेश की जा रही है। तो इसकी पॉलिटिक्स को, इसकी राजनीति को आज हमें समझने की बेहद ज्यादा जरूरत है। शमशेर बहादुर की नज़र से अगर हम देखें, उन्होंने जो लिखा अगर उसकी नज़र से हम देखें, तो इसकी मैं कुछ जो लाइन है वे पढ़ूँ यहाँ। जो धर्मों के अखाड़े हैं उन्हें लड़वा दिया जाए, जो धर्मों के अखाड़े हैं उन्हें लड़वा दिया जाए, जरूरत क्या कि हिंदुस्तान पे हमला किया जाए। ये मुल्क इतना बड़ा है, ये मुल्क इतना बड़ा है, यह कभी बाहर के हमले से नसर होगा, यह मुल्क इतना बड़ा है, यह कभी बाहर के हमले से नसर होगा, जो सर होगा तो बस अंदर के फितने से, जो सर होगा तो बस अंदर के फितने से। ये मंसूबा है, ये मंसूबा है दक्षिण एशिया में धर्म का चक्कर चले, ये मंसूबा है दक्षिण एशिया में धर्म का चक्कर चले, और बौद्ध हिंदू सिख
मुस्लिम में रहे टक्कर, वो टक्कर हो कि सब कुछ युद्ध का मैदान, वो टक्कर हो कि सब कुछ युद्ध का मैदान बन जाए। कभी जैसा नहीं था, कभी जैसा नहीं था वैसा हिंदुस्तान बन जाए। तो साथियों, इस राजनीति को जो कल तक ब्रिटिश के जरिए, अंग्रेजों के जरिए चलाई जा रही थी, आज अमेरिका भी इसमें इतना ही लिप्त है, जो ये चाहा कि जितने भी भारत जैसे देश, गरीब देश हैं, जितने भी आपस में लड़ेंगे, जितनी उनमें फूट रहेगी, इतना ही हम इन पर बढ़िया राज करेंगे, इतना ही बढ़िया इन्हें हम लूट सकेंगे। तो इस राजनीति को, सांप्रदायिकता की राजनीति को, धर्म की राजनीति को आज हमें समझने की बेहद ज़रूरत है। दूसरा, एक चीज़ और बहुत बारीक तरीके से फैलाई जा, आप देखते भी होंगे, कुछ लोग मिले उर्दू, उर्दू तो मुसलमानों की भाषा है भाई, हिंदी, हिंदी तो हिंदू की भाषा है, क्या सच में ऐसा ही है? जबकि उर्दू तो हिंदुस्तान की से जन्म ली हुई भाषा है, यहाँ की अपनी भाषा है, और इसके बारे में क्या कहें सबसे, वो अपनों की बातें वो अपनों की खूबू, हमारी ही हिंदी हमारी ही उर्दू, ये कोयल ओ बुलबुल के मीठे तराने, हमारे सिवा इसका रस कौन जाने। यानी के उर्दू कितनी मीठी भाषा है, इसका रस कौन जान सके। हम सभी जाने कि जितनी भी हमारी फिल्में हैं, जितने भी हमारे गीत हैं, क्या उनमें अगर उनसे हम उर्दू के शब्द निकाल दें तो उनमें, उन गीत में क्या कोई दम रहेगा? मेरे महबूब कहीं गीतुमा हुए तो महबूब तो उर्दू का शब्द है, तो कितने सारे अगर हम उसे निकाल देंगे तो सच में इसका रस हम ही जाने। तो दोस्तों, मैं अपनी, क्योंकि साथी ने मुझे बहुत टाइम दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया, तो मैं अपनी बात शमशेर बहादुर की, एक जो उन्होंने अपने दौर में, जो एक यहाँ पे है भी, कि बनियों ने समाजवाद को जोखा है, कि किस तरीके से समाजवाद के नाम पे आज देश को लूटा जा रहा, और आज नहीं पहले से ही, आज़ादी के बाद से ही। आपको याद होगा कि आज़ाद हिंदुस्तान का जो प्लान बनाया वो किसने बनाया? टाटा बिड़ला, वो तो पूंजीपति थे, और बताया गया कि भारत एक समाजवादी देश है। तो इसके बारे में शमशेर बहादुर ने जो कहा, ये एकदम साफ है कि उनका नजरिया कितना बढ़िया है, और उनके नज़र में कोई चूक नहीं, बनियों ने समाजवाद को जोखा है, मतलब तोल्या, बनियों ने समाजवाद को जोखा है, गहरा सौदा है, काल भी चोखा है, दुकानें नहीं खुली हैं आज़ादी की, दुकानें नहीं खुली हैं आज़ादी की, कैसा साम्राज्यवाद का धोखा है। यानी कि साम्राज्यवाद समाजवाद की आड़ में ये कह के, समतामूलक समाज है, यहाँ सब बराबर हैं, मजदूर को मजदूर के हक मिल गए, किसान को किसान के हक मिल गए, नौजवान को नौजवान के हक मिल गए, छात्र को छात्र का हक मिल गया, बीमार को इलाज मिल गया, क्या सच में ही ऐसा है? नहीं है। तो ये साम्राज्यवाद जो समाजवाद के रूप में यह हमें धोखा दे रहा है, क्या हमें तो समझने की जरूरत नहीं है साथियों? है। दूसरा, जो शमशेर बहादुर की उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो ये साथियों कि उन्होंने कहा था कि दो चीज जरूरी है, एक ऑक्सीजन और दूसरा मार्क्सवाद। ऑक्सीजन जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, और जो हमेशा खुले में मिल सके, अगर हम बंद कर दें किसी को कमरे में, उसका माहौल बहुत तंग बना दे, तो वहाँ ऑक्सीजन कम जाएगी,
उसका अगर वो जीवा कभी तो वो तड़फागा। तो अगर जिंदा रहना बढ़िया तरीके से तो उसके लिए जरूरी है ऑक्सीजन। और दूसरा उन्होंने बताया कि मार्क्सवाद जो बौद्धिक और स्वस्थ मानसिक क्रिया जो मानसिकता है हमारा दिमाग है वो स्वस्थ रहे उसके लिए बेहद जरूरी है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद जो बराबरी की बात करे, जो धर्म जाति से ऊपर उठ के सच में एक सच्चे भाईचारे की बात करे, वही मार्क्सवाद का विचार जो सच में एक समतामूलक समाज बनाने में हमें रास्ता दिखावेगा। और साथियों, शमशेर बहादुर को याद करने का मतलब, उन्हें जानने समझने का मतलब, उनके साहित्य में और अंदर जाने का मतलब जब ही होगा जब हम सच में जिस तरह से हम ऑक्सीजन की जरूरत है उसी तरह हम शमशेर बहादुर की तरह मार्क्सवाद को भी मजबूत पकड़ बनाएं। मुझे ये लगे कि आज हमारे लिए यह एक सबसे जरूरी सबक है। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। बहुत